नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं विच आर नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं नहीं मिल रही, उनका कहीं जिक्र नहीं है, दैट मींस वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है. लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन बट दे स्टिल एग्जिस्ट, या फिर बट दे स्टिल फंक्शंस. वो अभी भी कुछ ना कुछ काम यहाँ पे कर रही है, उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. तो ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये आई कैसे, या कौन कौन सी हैं, या इनका क्या है पूरा, उनको भी देखते हैं. तो ऐसी हमारी इंडिया में बहुत सारी हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो उसके कुछ लिस्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, वो कौन कौन सी है. सबसे पहले तो आती है प्लानिंग कमीशन, जो कि आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करती पर पहले हुआ करती थी. उसकी जगह आ चुकी है नीति आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सीवीसी, सीवीसी इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, FCI, Food Corporation of India, Law Commission of India, CSIR, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए. तो ऐसी ये कुछ बॉडीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा बट ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रही है, ये बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है. तो हम उन्हें कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया, ठीक है.